फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। सबसे पहली कथा ये है कि स्कंद पुराण के अनुसार जब केदार के विषय में पार्वती जी ने शिव से पूछा था तो उन्होंने बताया कि केदार क्षेत्र उन्हें अत्यंत प्रिय है। वह यहाँ सदैव गणों के साथ निवास करते हैं। वो इस क्षेत्र में तब से हैं जब से उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा का रूप धारण किया था। स्कंद पुराण में स्थान की महिमा का वर्णन यह मिलता है कि एक बहेलिया था जिसे हिरण का मांस खाना अत्यंत प्रिय था। एक बार वह शिकार की तलाश में केदार क्षेत्र में आ गया। पूरे दिन भटकने के बाद उसे शिकार नहीं मिला। संध्या के समय नारद मुनि क्षेत्र में आए तो उन्होंने दूर से बहेलिया देख के हिरण समझा और उस पर वार चलाने के लिए तैयार हो गया। जब तक वार चलता पूरी तरीके से सूरज डूब चुका था, अंधेरा हो गया था। तो उसने देखा कि एक सर्प मेढक को निगल रहा है और मृत होने के बाद मेढक शिव रूप में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार बहेलिया ने देखा कि एक हिरण को सिंह मार रहा है। मृत हिरण शिव गणों के साथ शिवलोक जा रहा है। यह अद्भुत दृश्य को देख के बहेलिया हैरान हो गया। इसी समय नारद मुनि ब्रह्मा के वेश में बहेलिया के समक्ष उपस्थित हुए। बहेलिया ने नारद मुनि से इस अद्भुत दृश्य के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि यह बहुत ही पवित्र क्षेत्र है। यहाँ मरने के बाद पशु पक्षियों और इंसान को मुक्ति प्राप्त हो जाती और वो शिवलोक में पहुँच जाता है। बहेलिया को अपने पापों का प्रायश्चित हुआ और उसने पूछा कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करूँ, क्योंकि उसने भी बहुत सारे पशु पक्षियों की हत्या की है। तब नारद मुनि ने उसे सुझाव दिया कि इस लोक में रहकर वह शिव की उपासना करे, मृत्यु पश्चात उसे भी शिवलोक में स्थान प्राप्त हो जाएगा।